हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल एज स्क्वाड। स्टूडेंट, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का टॉपिक देखेंगे, ड्रॉ टॉप व्यू एंड सेक्शनल फ्रंट व्यू ऑफ आ डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट। ओके, कौन सा जॉइंट बनाएंगे? डबल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट विद जिग जैग टाइप, नॉट अ चेन, जिग जैग टाइप बनाएंगे। इसमें हमको डायमीटर दिया है रिवेट का 18 mm। तो सबसे पहले तो हम कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद बनाएंगे फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। कैलकुलेशन में यू हमारा फार्मूला है, डी इज इक्वल्स टू 6√t। डी इज इक्वल्स टू 6√t। डी कितना है? 18। 6√t, तो यहाँ से टी कितना आएगा? 9 mm। जो मेन प्लेट होगी, जिसको हमने वट जॉइंट से जोड़ना है, जिसका जॉइंट लगाना है, तो उसकी थिकनेस कितनी आ जाएगी? 9 mm। लेकिन इसमें देखिए, डबल रिवेटेड डबल कवर, तो एक बट जॉइंट के ऊपर प्लेट लगेगी, एक नीचे लगेगी। डबल कवर और डबल स्ट्रैप, कुछ भी बोल सकते हो आप इसे। तो उस डबल कवर और डबल स्ट्रैप की थिकनेस भी हमको निकालनी होगी यहाँ पे, वो कितनी होगी? T1 T2। जो T1 थिकनेस है वो है अपर स्ट्रैप की, और जो T2 थिकनेस है वो है बॉटम स्ट्रैप की। तो इसका रिलेशन होता है 0.625T, 0.625 इंटू टी। टी कौन सी? जो हमारी मेन थिकनेस थी 9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्स 5.6 mm हमारा आंसर आएगा, जो थिकनेस होगी हमारे अपर और बॉटम स्ट्रैप की। तो ये थी हमारी कैलकुलेशंस। आइए अभी हम पहले फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे और उसके बाद इसका टॉप व्यू ड्रॉ करेंगे। फ्रंट व्यू में ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप जो हमारी थिकनेस है, प्लेट हैं, उनकी जो थिकनेस है उसके बराबर डायमेंशंस लाइंस लगा लो आप। जैसे सबसे पहले एक लाइन मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, यहाँ पर मैं प्रॉपर डायमेंशंस नहीं लूँगा, सिंपल नॉर्मल बनाऊँगा। ऐसे एक लाइन लगा दी, और उसके बाद 5.6 की, ये हमारा अपर स्ट्रैप। इसके बाद नीचे आइए, जो हमारी होगी मेन प्लेट, उसकी थिकनेस कितनी थी? 9 mm। यहाँ पे 9, और उसके बाद बॉटम स्ट्रैप। सबसे पहले आप ऐसे तीन लाइंस मार्क कर लें, सबसे ऊपर अपर स्ट्रैप की थिकनेस जो 5.6 है अप्रॉक्स, और उसके बीच जो मेन प्लेट है जिसको हमने जॉइंट लगाना है, जिस पे वो है 9 mm की, और उसके नीचे बॉटम स्ट्रैप। तो उसके बाद क्या करें, इसको मैं कलरिंग बाद में करूँगा, पहले आप थोड़ा सा देख लें बनाना कैसे। सबसे पहले इसका सेंटर मार्क कर लें, वो यहाँ पे इसका सेंटर है, और उसके बाद एक प्लेट हमारी होगी इधर, एक प्लेट इधर, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो जो रिवेट आएगा सबसे पहला इस प्लेट में और इस प्लेट में, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो होगा 3D। उन दोनों में जो गैप होगा वो कितना होगा? 3D गैप होगा। तो यहाँ से आप डायमीटर कितना था? 18 3 था 54, मीन्स 27 आप गैप इधर छोड़ दें और 27 का गैप आप इस तरफ छोड़ दें। ये हमारा क्या आ गया? रिवेट का सेंटर आ गया। यहाँ पे मैं इसे सेंटर लाइन लगा देता हूँ, और सेम वे से यहाँ पे ये हमारा क्या आ गया? रिवेट का सेंटर, जो हमारा इस प्लेट में होगा और इस प्लेट में, इन दोनों का डिफरेंस होगा 3D। और उसके बाद हमारी टाइप कौन सी है? जिगजैग। तो जिगजैग में क्या होगा, जो रिवेट्स इसके बाद आएंगे, इस रिवेट के बाद इस तरफ आएंगे, उन रिवेट्स का डिफरेंस होगा 2D। चेन रिवेटिंग में कितना था? 2D प्लस 6, लेकिन जिगजैग में कितना होता है? 2D। तो यहाँ से मैं एक डिस्टेंस और लूँगा, और इसका डिफरेंस कितना रखूँगा? 2D। तो एक रिवेट यहाँ पर और एक रिवेट यहाँ पर, इसका डिफरेंस कितना है? 2D। इसका डिफरेंस 2D, और इन दोनों का डिफरेंस 3D। ओके, तो यहाँ पर डायमीटर 18 था, सबसे पहले रिवेट बना लें 18 के, एक रिवेट इधर, सेकंड, ऐसे हमारे 4 रिवेट्स आ गए।
जो हमारी कंडीशन थी डबल रिप्टेड, डबल रिप्टेड का मीनिंग एक प्लेट में दो रिप्ट बन गए हमारे। एक देखिए ये हमारा सेंटर था, एक प्लेट इधर एक इधर, एक में दो इधर बन गए और दो इधर बन गए, ये हमारा क्या हो गया डबल रिप्टेड कंप्लीट हो गया। अगर इसने ट्रिपल रिप्टेड बोला होता तो फर्स्ट सेकेंड एक रिप्ट और आना था इसके पास, सेम वे से फर्स्ट सेकेंड थर्ड एक और आना था। अगर सिंगल रिप्टेड बोला होता तो यहाँ पर ख़त्म होना था इसे, ये दो रिप्ट बनने थे एक इधर और एक इधर, वो होता सिंगल रिप्टिंग का केस। और उसके बाद आप इसके ऐसे नॉर्मल प्रॉपर मेजरमेंट के साथ बनाओगे आप हेड यहाँ पर, ये हमारे क्या हो गए रिवेट हेड्स बन गए। अभी आप देखिए जो प्लेट का एंड होगा, हमारी को पता है मार्जिन कितना होता है 1.5D, मार्जिन कितना होता है 1.5D। तो इसके सेंटर से एक आप पॉइंट लगाओ यहाँ पे, वो क्या होगा 1.5D, यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है 1.5D। सबसे पहले आपने क्या किया, यहाँ से एक पॉइंट लगाया 1.5D और उसके बाद 10 डिग्री के एक लाइन लगाई और उसके बाद आगे प्लेट को ज्वाइन कर दिया। सेम वे से आप यहाँ से इस तरफ आओगे 1.5D और उसके बाद ऊपर 10 डिग्री के ऊपर एक लाइन लगा दोगे, ये आपका अपर स्ट्रैप कंप्लीट हो जाएगा। सेम वे से बॉटम स्ट्रैप, यहाँ से इस पॉइंट से आप इस तरफ आओगे 1.5D और नीचे की तरफ 10 डिग्री लगा दोगे। सेम वे से यहाँ तक आओगे 1.5D और उसके बाद 10 डिग्री आप नीचे लगा दोगे। इस तरीके से आपका अपर स्ट्रैप और बॉटम स्ट्रैप दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और जो हमारी सेंट्रल प्लेट है जिसको हम अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको ऐसे थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके शॉर्ट ब्रेक लाइन लगा दें, इधर थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसकी शॉर्ट ब्रेक लाइन लगा दें। उसके बाद इसने बोला था सेक्शनल फ्रंट व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू जब आप करोगे तो इसमें दो रिवेट्स आपको कंप्लीट दिखेंगे, दो रिवेट्स नहीं दिखेंगे। दो रिवेट कौन से नहीं दिखेंगे, या तो वो क्या होंगे अंदर वाले या फिर बाहर वाले, या तो फिर ये दोनों होंगे या फिर ये दोनों। वो क्यों है, क्योंकि वो क्या है जिगजैग। अगर होती चेन रिवेटिंग तो इसमें फोर रिवेट्स आपको कंप्लीट शो होने थे, लेकिन जिगजैग के कारण इसमें आपको दो ही रिवेट शो होंगे। वो देखिए क्यों, अगर आप इसको ध्यान से देखें, जैसे इसने रिवेट को यहाँ से काटा है तो ये वाले दो रिवेट तो सामने आ गए, वो हमारे को क्लियरली विजिबल रहेंगे, लेकिन ये दोनों अंदर वाले थे, वो ये दोनों 1, 2 वो क्लियरली विजिबल नहीं रहेंगे, क्योंकि वो क्या है पीछे हैं। अगर मैं यहाँ से काटता तो मेरे को ये दोनों विजिबल होने थे और ये दोनों विजिबल नहीं होने थे। अंदर वाले में हम क्लियरली विजिबल कर सकते थे और जो सेक्शन लाइन इसके बीच नहीं लगी वो फिर इसके बीच लगनी थी और इसके बीच यहाँ पर सेक्शन लाइन्स आनी थी। तो इसको हम अभी कंप्लीट कर देते हैं कलरिंग से। जो मेरा अपर स्ट्रैप है उसको मैं रेड कलर से बना रहा हूँ, अपर स्ट्रैप मेरा यहाँ तक था और इस तरफ यहाँ पर, इसमें मैंने जो आउटर रिवेट्स हैं फर्स्ट और सेकंड इसको क्लियरली विजिबल माना है। ये मेरा अपर स्ट्रैप कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद दो प्लेट्स जिनको ज्वाइन करना है, एक इस तरफ और एक इस तरफ, इसको आप अलग कलर से बना लो, कन्फ्यूजन नहीं होगी। ये हमारी फर्स्ट सेकंड प्लेट, इन दोनों को ज्वाइन करना था और उसके बाद बॉटम स्ट्रैप। ये हमारा
बॉटम स्ट्रैप आ जाएगा। तो अभी हमने इसकी सेक्शनिंग की है, तो सेक्शन लाइंस लगा लो आप, जो दो अंदर वाले रिवेट हैं जिगजैग में वो हमको दिख नहीं रहे तो वो पीछे हैं, तो इसकी जो प्लेट्स होगी उसमें सेक्शन लाइंस आएंगी। इसमें आप ऐसे सेक्शन लाइंस लगा दो। इसका एंगल मैंने चेंज किया है, एंगल चेंज करने से क्या हो गया, दोनों प्लेट्स अलग अलग शो होने लगी। सेकंड प्लेट और उसके बाद जो अपर स्ट्रैप था उसके बीच सेक्शन लाइंस आएंगी। अभी इसमें सेम सेक्शन लाइंस हो रही हैं, तो आप क्या करोगे, इन दोनों के सेंटर में लगा दोगे लाइंस। इससे क्या होगा, दोनों अलग अलग दिखेंगे। ये अपर स्ट्रैप और उसके बाद नीचे जो बॉटम स्ट्रैप। इस वजह से हमारा जो फ्रंट व्यू था, सेक्शनल फ्रंट व्यू, वो कंप्लीट हो जाएगा। और जो उसके बाद बचे रिवेट्स, उसको आप, ये तो हमारा विजिबल था इसलिए हम इसको ऐसे डार्क बना देंगे। रिवेट है पूरा और उसके ये क्लियरली विजिबल नहीं था, तो इसका जो हेड है वो तो पूरा बनेगा, लेकिन जो बीच में इसका शैंक है उसमें क्या आएंगी, हिडन लाइन्स आएंगी। ऐसे इसमें क्या आएंगी, हिडन लाइंस। और ये हमारा क्लियरली विजिबल था तो ये ऐसे डार्क लाइन के साथ आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सेक्शनल फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया। इसमें जो डायमेंशंस थी वो थी 3D, ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 3D 18 3D 54, और जो इस रिवेट से इस रिवेट का गैप था वो था 2D यहाँ से यहाँ तक, सेम वे से यहाँ से यहाँ तक 2D। ठीक है, जो जिगजैग का केस होगा उसमें अगर एक प्लेट होगी तो एक प्लेट में जितने भी रिवेट लगेंगे उनका डिफरेंस रहेगा 2D, और अगर होगी चेन रिवेटिंग तो उसका डिफरेंस रहेगा 2D+6। ओके, अगर बट ज्वाइंट बनाया तो इस सेंटर से जो रिवेट लगे होंगे इस तरफ और इस तरफ दोनों डिफरेंट प्लेट्स में, तो उन दोनों का डिफरेंस रहेगा 3D। ओके, ये हमारा बट ज्वाइंट का फ्रंट व्यू। अभी हम इसका ड्रॉ करेंगे टॉप व्यू। तो टॉप व्यू ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप रिवेट ड्रॉ कर लें। अभी यहाँ पर रिवेट का साइज मैं थोड़ा सा छोटा रखूँगा। तो एक रिवेट मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है, और एक इसके नीचे, ये मेरी ऐसे सेक्शन लाइन आगे जा रही है। ठीक है, तो अगर जिगजैग होगा तो इसके सामने तो रिवेट बनेगा नहीं, तो वो क्या, इन दोनों के बीच का जो सेंटर होगा उसके सामने बनेगा यहाँ पर। तो आगे थर्ड रिवेट हमारा यहाँ पर बनेगा, तो इसका सेंटर आएगा यहाँ पे, तो इसके सामने बनेगा यहाँ पर। ठीक है, जिगजैग का केस। उसके बाद आइए इस तरफ, तो इस तरफ इसके सामने यहाँ पर और इसके सामने यहाँ पर। अभी इसके सामने तो बनेगा नहीं, जो इसके सामने बनेगा, और आप बोल सकते हो एक यहाँ पर होगा एक यहाँ पर होगा, इन दोनों का जो गैप होगा उसके सामने रिवेट बनेगा। अभी इन दोनों के बीच इसके सामने बनेगा, तो ये क्या हो गया, हमारा जिगजैग के रिवेट्स बन गए टॉप व्यू के अंदर। तो ये था हमारा इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ तक।
तो जो अंदर होगा वो शैंक डायमीटर होगा, वो हमारे को दिया था 18, तो उसके मैं पहले ही डॉट लगा लेता हूँ, वो हिडन लाइंस में आएंगे। ठीक है, इस वजह से मेरे जो रिवेट थे वो सारे कंप्लीट हो गए। इन दोनों का डिफरेंस 3D, इन दोनों का डिफरेंस 2D और इसका डिफरेंस 2D। तो इसके ऊपर जो मेरी सबसे ऊपर स्ट्रैप है, अपर स्ट्रैप, सबसे पहले मैं उसको ड्रॉ करूँगा, अपर स्ट्रैप को। अपर स्ट्रैप की डिमेंशंस यहाँ से आ रही हैं नीचे, और इस तरफ, ठीक है। तो यहाँ से इसको ऐसे शॉर्ट ब्रेक लाइंस के साथ, तो ये क्या होगी, मेरी जो मेरी अपर स्ट्रैप थी वो कंप्लीट होगी। और उसके बाद देखिए जो होगी बॉटम स्ट्रैप, बॉटम स्ट्रैप इसके साथ ही एंड हो रही है, मींस जो इसकी विड्थ है बॉटम स्ट्रैप की, वही विड्थ किसकी है, अपर स्ट्रैप की। तो यहाँ पर मैं इसकी विड्थ तो शो नहीं कर सकता, लेकिन उसको शो करने के लिए कि नीचे एक बॉटम स्ट्रैप और लगी है, तो मैं इसको जो बॉटम स्ट्रैप है इसकी जो ऐसी विड्थ होगी उसको थोड़ा सा इनक्रीज़ कर दूंगा। इनक्रीज़ करने के लिए देखिए, ये तो हमारी अपर स्ट्रैप होगी, ठीक है। जो मेरी बॉटम स्ट्रैप है उसका मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया इस तरफ, इस डायमेंशन में। लेकिन उसमें क्या होगा, जब आप नीचे से इसको बॉटम स्ट्रैप को देखेंगे ऊपर की तरफ से, तो ये वाली लाइन तो आपको दिखेगी नहीं, हिडन दिखेगी, लेकिन ये वाली लाइन आपको दिखेगी। तो आप क्या करोगे, इसको ऐसे डार्क, लेकिन ये वाली ऐसे हिडन, ये वाली डायमेंशन सेम वे से नीचे डार्क और यहाँ पे हिडन, डार्क और इस तरफ डार्क और यहाँ पे हिडन। तो ये क्या होगी, आपकी बॉटम स्ट्रैप कंप्लीट हो जाएगी। और इसको यहाँ पे ऐसे शॉर्ट ब्रेक लाइन के साथ मैच कर दो, तो ये क्या हो गया, आपकी अपर स्ट्रैप और बॉटम स्ट्रैप दोनों कंप्लीट हो गए। बीच में बची दो प्लेट्स जिनको हमने ज्वाइन करना था, तो उसको आप कैसे शो करोगे इसमें। उसकी जो विड्थ है वो इन दोनों से ज़्यादा है, तो इसके नीचे आप पहले तो एक ऐसे शॉर्ट ब्रेक लाइन बना लें, इस तरफ है तो यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लाइन बना लें, ठीक है। जो इसकी विड्थ होगी वो आप इन दोनों से बड़ी भी रख सकते हो, छोटी भी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन मैं यहाँ पर क्या रख रहा हूँ, उसकी जो विड्थ इन दोनों के बीच रख रहा हूँ। तो यहाँ से एक पहले ऐसे लाइन मार्क कर लूँगा फीकी सी, ठीक है, और यहाँ से शॉर्ट ब्रेक लाइन लाऊँगा इसके बीच में से यहाँ तक, इसको साथ मैच कर दूंगा, और इन दोनों के बीच में से यहाँ तक और फिर आगे। इसमें देखिए अगर मैं ऊपर से दिखूँगा तो मेरे को यहाँ तक तो डार्क लाइन दिखेगी, दो प्लेट का एज दिखेगा, और यहाँ पर भी इसका एज दिखेगा। लेकिन जो अपर स्ट्रैप के नीचे का पोर्शन होगा, ये वाला अपर स्ट्रैप के नीचे, वो तो मेरे को दिखेगा नहीं, तो वहाँ पर मैं क्या लगाऊँगा, हिडन लाइन लगा दूँगा ऐसे, ठीक है। तो इस वजह से आपका जो टॉप व्यू था वो कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसको अगर हम कलरिंग करें तो उसमें देखें कैसे बनेगा। सबसे पहले कौन सी थी, अपर स्ट्रैप, अपर स्ट्रैप को मैंने सबसे छोटा माना था, तो अपर स्ट्रैप के जो ये वाले पोर्शन थे वो तो हम स्केल से लगाएंगे, स्ट्रेट लाइंस। इस तरफ और इस तरफ, ठीक है, तो इसको शॉर्ट ब्रेक लाइन के साथ मैच करेंगे।
नीचे से ठीक है, और इसके बीच जो अपने रिवेट्स ऑलरेडी बनाए थे उनको आप डार्क कर दो। और इनके बीच हिडन सर्कल्स, तो ये हमारे रिवेट्स कंप्लीट हो गए। सबसे पहले टॉप में बनाने रिवेट ही हैं, रिवेट के बाद प्लेट्स ड्रॉ करनी है, और उसके बाद जो बॉटम स्ट्रैप थी, बॉटम स्ट्रैप थी हमारी ग्रीन कलर में, तो उसकी जो मैंने विड्थ मानी थी सेम एज दैट ऑफ अपर कवर, तो यहाँ पर वो क्या थी, डार्क, यहाँ तक डार्क आएगी, ये वाला पोर्शन थोड़ा सा हिडन आएगा। ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक हिडन क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर ये वाली प्लेट है जिसको हमने ज्वाइन करना है वो आ रही है, तो यहाँ से यहाँ तक हिडन, आगे डार्क। और इसको भी ऐसे मैं शॉर्ट ब्रेक लाइन से मैच कर दूंगा सेम वे से ऊपर, और जो इसका इंटरनल पोर्शन होगा इसके बराबर वो सारा क्या रहेगा, हिडन रहेगा। ठीक है, इस वे से हमारा जो बॉटम स्ट्रैप था वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद बची दो प्लेट्स जिनको हमने बट जॉइंट से ज्वाइन किया था, तो यहाँ पर तो डार्क था ठीक है, और उसकी विड्थ मैंने क्या मानी है, इन दोनों प्लेट्स के बीच, अपर स्ट्रैप और बॉटम स्ट्रैप। तो यहाँ से स्टार्ट हुई शॉर्ट ब्रेक लाइन, इधर से स्टार्ट हुई शॉर्ट ब्रेक लाइन, और यहाँ पर इसको मैच कर दिया। इस तरफ कौन सी थी, ब्लू कलर से, तो यहाँ से स्टार्ट हुई शॉर्ट ब्रेक लाइन, इसको हमने यहाँ पे मैच कर दिया, और जो बीच वाला पोर्शन होगा वो क्या रहेगा, हिडन रहेगा। तो ये लाइंस क्या आएंगी, हिडन लाइंस आ जाएंगी यहाँ पे। तो ये हमारा टॉप व्यू कंप्लीट हो जाएगा। अभी इसमें एक बचा कटिंग प्लेन, कटिंग प्लेन शो करना होगा आपका। कटिंग प्लेन क्या बताएगा कि आपने टॉप व्यू को कहाँ से कट किया जो आपको ऐसा सेक्शनल फ्रंट व्यू शो हुआ। तो आप इसमें देखिए, जब आप इसको कट करोगे यहाँ से जब कट करोगे तो आपको ये वाले दोनों रिवेट्स तो दिखेंगे, लेकिन ये वाले दो रिवेट्स आपको नहीं दिखेंगे। तो इसमें ऐसा ही हो रहा था, अंदर वाले दोनों रिवेट नहीं दिखे लेकिन बाहर वाले दोनों रिवेट दिख रहे थे, तो ये क्या हो गया आपका कटिंग प्लेन, इसको आप नाम दे सकते हो ए एस। यहाँ पे आपका क्या है, कटिंग प्लेन है आपका, तो इसको आप यहाँ से ऐसे डार्क होता है कटिंग प्लेन लाइंस, और उसके बाद ऐसे सेंटर लाइंस होती हैं वो, तो ये क्या हो गया आपका कटिंग प्लेन। कटिंग प्लेन क्या बता रहा है आपको, आपने इसको यहाँ से कट किया तो आपको वैसा सेक्शनल फ्रंट व्यू शो हुआ। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें हमने देखा ड्रॉ टॉप व्यू एंड सेक्शनल फ्रंट व्यू ऑफ अ डबल रिप्टेड डबल कवर। डबल रिप्टेड मींस एक प्लेट में दो रिवेट लगी हैं, डबल कवर मींस एक ऊपर कवर लगा एक नीचे लगा है, बट जॉइंट था जिग जैग टाइप थी इसकी, डायमीटर हमारे को दिया था 18, तो 18 से सबसे पहले हमने थिकनेस निकाली, थिकनेस जो हमारी मेन प्लेट है उसकी आई 9 mm, और उसके बाद जो अपर स्ट्रैप होगा और बॉटम स्ट्रैप होगा उसकी थिकनेस होती है 0.625 इंटू टी, टी थी हमारी 9, वहाँ से हमारी जो थिकनेस आई है अपर स्ट्रैप और बॉटम स्ट्रैप की वो आई है 5.6 अप्रॉक्स। अगर यहाँ पर एक कवर होता सिंगल कवर तो उसकी थिकनेस होनी थी 1.125 टी, ओके। एक स्ट्रैप भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, अगर एक होगा तो आप रेड बना दो, ग्रीन को रहने दो, और उसके बाद जो दो प्लेट्स बनाने जिनको ज्वाइन करना है उसको सेम वे से आप बना सकते हो। और उसके बाद जो इसकी डायमेंशंस थी,
यहाँ से सेंटर में से एक रिवेट इधर लगेगा, एक रिवेट इधर, तो जो दो डिफरेंट प्लेट्स हैं उनमें जो दो रिवेट लगे हैं तो उसका डिफरेंस रहेगा 3D, और उसके बाद जो प्लेट में कंटिन्यूस रिवेट लगे, सक्सेसिव रिवेट्स, तो उनका डिफरेंस रहेगा 2D। जिगजैग के केस में अगर चेन रिवेटिंग होगी तो वहाँ पर डिफरेंस रहेगा 2D+6 mm। तो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का टॉपिक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।